हेलो फैमिली, आप सभी का स्वागत है द फूड स्टोरेज में। आज बनाएंगे हम सोया चिल्ली। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप सोया चंक्स, टोमेटो सॉस, चिली सॉस, सोया सॉस, 4 चम्मच दही, 4 चम्मच मैदा, 1 प्याज, 1 शिमला मिर्च जिसे मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है, 3 हरी मिर्च, आधा आधा चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक लहसुन और थोड़ा थोड़ा कटा हुआ अदरक लहसुन, थोड़ा सा स्प्रिंग ओनियन। तो चलिए बनाते हैं सोया चिल्ली। अब हम गैस जलाकर एक गंजी चढ़ाते हैं जिसमें मैंने पानी ले लिया है, जितने पानी में सारे सोया चंक्स डूब सके। अब इसमें सोया चंक्स डाल देते हैं और 5 मिनट इसे उबाल लेते हैं। सोया चंक्स 5 मिनट में अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। अब इसे एक बर्तन पर निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। सोया चंक्स ठंडा हो गया है। अब इसे हाथों से दबाकर इसके पानी को अच्छी तरह से निकाल लेते हैं। अब सारे सोया चंक्स को एक बाउल में डाल देते हैं। इसमें ग्रेट किए हुए अदरक लहसुन डाल देते हैं, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं, 1/4 चम्मच नमक डाल देते हैं, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देते हैं, 4 चम्मच के आसपास दही डाल देते हैं, 4 चम्मच के आसपास मैदा डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो इसे 10 मिनट ढक कर रख सकते हैं। अब हम गैस की ओर चलते हैं। मीडियम फ्लेम पर गैस जलाकर तेल गर्म करते हैं सोया चंक्स फ्राई करने के लिए। तेल गर्म हो गया है। अब हम एक एक कर सोया चंक्स इसमें डालेंगे। एक साथ 3-4 सोया चंक्स एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो यह आपस में चिपक जाते हैं। अब इसे अल्टा पलटा कर मीडियम फ्लेम पर सुनहरा होते तक तलेंगे। आप देख सकते हैं 5 मिनट तलने के बाद यह सुनहरा हो गया है। अब इसे एक बर्तन पर निकाल लेते हैं। इसी प्रकार बचे हुए सोया चंक्स को भी तल लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने सारे सोया चंक्स तल लिए हैं। अब हम कढ़ाई से तेल कम कर लेते हैं। मैंने 5 चम्मच के आसपास तेल बचा लिया है और यह गर्म है। अब हम इसमें अदरक डाल देते हैं, लहसुन डाल देते हैं, हरी मिर्च डाल देते हैं और इसे थोड़ा मिला लेते हैं। अब इसमें प्याज और शिमला मिर्च डाल देते हैं। इसे 1 मिनट के आसपास मिलाते हुए भून लेंगे। अब इसमें हम सोया सॉस डाल देते हैं, चिली सॉस डाल देते हैं, टमेटो सॉस डाल देते हैं। सॉस आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। आप देख सकते हैं इसमें अच्छी तरह से उबाल आने लगा है। अब हम इसमें 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देते हैं, 1/4 चम्मच नमक डाल देते हैं, 1/2 चम्मच शक्कर डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब हम इसमें सोया चंक्स डाल देते हैं जिसे मैंने कुछ देर पहले फ्राई कर लिया था।
अब हम इसमें स्प्रिंग ओनियन डाल देते हैं, थोड़ा मिला लेते हैं और हमारी सोया चिल्ली रेडी। अब इसे सर्व करते हैं। यह बहुत ही हेल्दी फूड है और यह बहुत ही टेस्टी होता है। इसे बनाना भी बहुत आसान है और यह बच्चों को भी बहुत पसंद होता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को भी ऑल कर प्रेस करें जिससे मेरे नए रेसिपी की वीडियो आपको सबसे पहले मिले।